हेलो एवरीवन, आज आप मेरा शो देख रहे हैं आयल्स एंड स्टडी वीज़ा हेल्पलाइन। एंड आज हम बहुत वेलकम करते हैं मिस्टर प्रदीप बाल्यान का, जो कि बहुत फेमस है नॉर्थ रीजन में फॉर स्पेशली फॉर स्टडी वीज़ा। एंड वी वेलकम मिस्टर प्रदीप बाल्यान हियर। एंड वेस्टर्न ओवरसीज आप सबने इसका बहुत नाम सुना होगा एंड काफ़ी फेमस भी है ये नॉर्थ रीजन में, बेस्ट रीजन अवार्ड भी मिल चुका है। सो यहाँ पे इतनी ब्रांचेस हैं वेस्टर्न ओवरसीज की, करनाल, पानीपत, चंडीगढ़, अंबाला सिटी, जलंधर एंड सोनीपत ऑल्सो। एंड इनके फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, यू कैन लाइक थ्रू। आज हम कुछ सेशन रख रहे हैं मिस्टर प्रदीप बाल्यान से, जो कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज के बेस पे रखा गया है ये सेशन। सो आप आज हम मिस्टर प्रदीप बाल्यान से रूबरू हो रहे हैं। सो आज उनसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रही हूँ मैं कि उनकी अब तक की जो जर्नी रही वो कैसी रही डीलिंग इन स्टडी वीज़ा स्पेशली। देखिए, मैं 2004 से इस फील्ड में हूँ। 2004 में मैंने वेस्टर्न ओवरसीज को स्टार्ट किया था। आज की डेट में मेरी 7 ब्रांचेज हैं, जिसमें आपका चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत एंड जलंधर आल्सो। हम आयल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश एंड स्टडी वीज़ा में डील करते हैं। अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो वो बड़ी मेरी एक ग्रेट अचीवमेंट है कि अगर मैं आयल्स की बात करूँ तो आयल्स में मैंने बेस्ट इन रीजन अवार्ड विनर रहा हूँ और ब्रिटिश काउंसिल का मैं गोल्ड मेंबर हूँ। लाखों बच्चे हमने आयल्स में उनका डिजायर स्कोर दिला के बाहर भेज चुके हैं हम उनको। अगर मैं वीज़ा की बात करूँ तो वीज़ा में हमारा जो सक्सेस रेट है अबव 95% है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, सिंगापुर एंड यूरोपियन कंट्रीज, चाहे अपना जर्मन है, इटली है, फ्रांस है, स्वीडन है, तो हर एक कंट्रीज़ में हम डील करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी इन कंट्रीज़ को लेकर डाउट्स हो तो डेफिनेटली मेरी एक डेडिकेट टीम है हर एक ब्रांच में। जहाँ भी आप नीरस्ट हैं वहाँ जाके आप मेरी डेडिकेट टीम से मिल सकते हैं। हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हम एथिकली काम करते हैं। एथिकली का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर स्टूडेंट्स का काम होना है तो हमने यस करना है, अगर नहीं होना है तो हमारी तरफ से नो, बड़े स्पष्ट शब्दों में नो है कि नहीं, सॉरी सर, वी कांट डू। तो ये सारी चीज़ें, दूसरी हमारी जो टीम है वो सारी की सारी डेडिकेशन के साथ साथ वो क्वालिफाइड है। टाइम टू टाइम हम जो भी कंट्रीज़ की जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें हम अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, इमिग्रेशन की साइट्स पे जाके अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं ताकि एक स्टूडेंट सामने आता है तो हम उसको जस्टिफाई कर सकें, उसको वो चीज़ बताएं जो उसके लिए ज़रूरी है। ओके सर, जैसे आपने अपना बताया कि आपकी स्टार्टिंग जर्नी स्टडी वीज़ा से हुई है एंड आपका सक्सेस रेट भी 99% रहा है अभी तक, तो आपका कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आपको फेस हुआ हो कि नहीं स्टडी वीज़ा थोड़ा सा डीलिंग मुश्किल है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स या कुछ? देखिए, ऐसी सिचुएशंस तो डेली हमें मिलती है, लेकिन अगर हमें लगता है कि स्टूडेंट का अगर वीज़ा नहीं आ सकता है तो हमें नो कहना अच्छी तरीके से आता है। अगर हमें लगता है कि, क्योंकि हम ना प्रोफेशनली काम करते हैं, प्रोफेशनली का मतलब एथिकली और प्रोफेशनली, कि एम्बेसी के साथ हम क्लोजली वर्क करते हैं, कि मीन्स लाइक जो एम्बेसी की साइट्स पे मेंशन है हम वो पैरामीटर्स फॉलो करते हैं। अगर बच्चे का होना है तो यस, नहीं होना है तो हमें नो बोल देना है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम किसी का नहीं होना और उसको बोल दें कि यस हो जाएगा। सब कुछ वीज़ा एक जीटी क्राइटेरिया है, अगर बच्चे का जीटी क्राइटेरिया मैच करता है तो डेफिनेटली हमारी तरफ से यस है, अगर नहीं जीटी क्राइटेरिया मैच करता तो नो है। जीटी क्राइटेरिया में हम बच्चे के एजुकेशंस देखते हैं, एजुकेशंस कैसी है, उसकी फंडिंग कैसी है, आयल्स का स्कोर है या नहीं है, उसके पेरेंट्स का इनकम रेशियो, प्लस में उसके उसने स्टूडेंट ने रिसर्च कर रखा नहीं कर रखा, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जीटी क्राइटेरिया मैच करता है। तो डेफिनेटली कंडीशंस वर्स्ट आती हैं, जिसका नहीं होना होता है तो हमें सॉरी बोलना आता है, अदरवाइज अगर ये जीटी क्राइटेरिया मैच करता है तो डेफिनेटली यस हमारी तरफ से है। हाँ, ऐसे ये जरूर है कि जो आप कंडीशंस की बात करना चाह रहे हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकता हूँ कि कई बच्चों के ऐसे थे, जैसे कनाडा के 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके लाइक जो ऑलरेडी वहाँ से रिफ्यूज थे, कनाडा से भी डिपोर्ट थे, उनका भी हमने फाइल लगाई, उनके जो उसके एविडेंस को देख के वो फाइल लगाई तो डेफिनेटली उनका वीज़ा आया। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, इस इनटेक में भी हैं, पिछले इनटेक में भी रहे हैं, जिन बच्चों के परसेंटेज बहुत बिलो थी, लाइक जैसे मैथ में 33 नंबर या 38 नंबर या फिर इकोनॉमिक्स में 33 नंबर, तो उन बच्चों के भी वीज़ा लिए हैं। बट अब देखना ये होता है, यहाँ पर बात आती है कि जिस बच्चे का वीज़ा आ सकता है नहीं आ सकता, यहाँ पर टीम की डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर टीम अच्छी है, अगर वो चीज़ देख रही है कि भाई यस इसके कितने जो इसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से ये कौन से कोर्स में फिट हो सकता है, इसका आयल स्कोर कैसा है, किस कॉलेज में किस टाइमिंग पे फाइल लगानी है, तो ऐसे बच्चों के हमने वीजास लिए हैं। ओके सर, एज यू सेड कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर काउंसलर्स, कैन यू से समथिंग अबाउट योर काउंसलर्स? जी डेफिनेटली, देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आप किसी भी और भी इंस्टीट्यूट में आप जाके देख सकते हैं,
हमारे यहाँ रो दूसरी मैंने जो सबसे बड़ी बात जो देखी है कि नॉलेज का फर्क होता है। मेरे पास जो टीम होती है वो नॉलेज से भरपूर होती है। इसके पीछे रीजंस ये है कि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर स्कूल मेरे काउंसलर्स को मेरे स्टाफ को नॉलेज है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट के साथ जस्टिफाई कर सकती हैं। मेरे यहाँ पे जो बच्चा है वो काउंसलिंग लेता है तो 95% एंड अबव उसका कन्वर्जन होता है। यहाँ पे पहली बात तो मैं खुद अपना कहना मैं क्वालिफाइड हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए, चाहे कनाडा के लिए, चाहे न्यूजीलैंड के लिए या अदर्स कंट्रीज़ के लिए। उसी तरीके से मैं अपने स्टाफ के साथ भी उसी हिसाब से काम करता हूँ। जो मेरे पास एक रिक्रूटमेंट होती है, एक स्टाफ मेरे पास आता है तो हम उसका एक प्रोसेस होता है, कोई इसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको टास्क दिया जाता है कि भाई आज आपसे क्या नाम है, आपने ये कॉलेज रीड करना है, आज इमिग्रेशन की साइट पे जाके आपने पढ़ना है। फिर वीकली उनके टेस्ट होते हैं, फिर उनके मंथली टेस्ट होते हैं, फिर मैं पूरे की पूरी टीम को बुला के एक जगह टेस्ट लेता हूँ या वर्कशॉप करता हूँ उनके साथ, उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, उनको बताता हूँ वीजाज के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं एक बंदा जब पढ़ के प्रैक्टिकली काम करता है तो डेफिनेटली वो फिर एक सक्सेस रेट निकलता ही निकलता है। बहुत से इंस्टीट्यूट दोस्तों मैंने देखे हैं कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंफ्रा बहुत अच्छा है, लेकिन स्टाफ को नॉलेज नहीं होता, इवन के कंपनी के डायरेक्टर को नॉलेज नहीं होता। लेकिन वेस्टर्न ओवरसीज में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपका पूरी सारे काउंसलर या कंट्री हेड या फिर जो मार्केटिंग टीम है या मैं खुद हूँ, हर एक स्टाफ ट्रेंड है, हर एक स्टाफ को नॉलेज है, जो भी उसको ड्यूटीज दी गई है जिस भी कंट्रीज की। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमारे कंट्रीज हमने डिवाइड कर रखी है, एक कंट्री एक काउंसलर एक कंट्री करेगी। लाइक ऐसा नहीं है कि कंट्री न्यूजीलैंड वाली कनाडा भी करेगी या ऑस्ट्रेलिया भी करेगी, यूके भी करेगी, यूएसए भी। न्यूजीलैंड वाली न्यूजीलैंड कंट्री हेड, ऑस्ट्रेलिया वाली ऑस्ट्रेलिया कंट्री हेड है, कनाडा वाली कनाडा कंट्री हेड है, उसके नीचे उसकी डाउन में टीम्स हैं। तो डेली टास्क उनको देना, डेली उनसे सुनना, तो ये सारी चीजें, ये जो क्वालिटी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ जस्टिफाई करती है। दैट इज द रीजन कि मेरा स्टाफ दूसरों से यूनिक है। सर, मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ है, कुछ रीजंस उनके पीछे व्हाई दे गॉट रिजेक्टेड वीजा, कुछ स्पेसिफिक रीजंस और देखिए मैम, टिप्स? देखिए यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट है, किस टाइप की प्रोफाइल है। आज की डेट में मैंने देखा कनाडा में खासकर, देखिए जैसे कि पहले जो कनाडा नहीं भी करते थे आज वो कनाडा कर रहे हैं, वो पहले कनाडा नहीं करते थे क्योंकि आज कनाडा बिक रहा है, कनाडा वीजा दे रहा है, तो हर किसी को लगता है कि मैं कनाडा ही कर लूँ। जैसे आपने बरसात में मेंढक देखे ना निकलते हैं, जैसे पीछे प्रॉपर्टी में बूम आया था, हर एक बंदा अपने आप को बोलता था मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको प्रॉपर्टी खरीदवा दूंगा, मैं आपकी बिकवा दूंगा। ऐसे इस फील्ड में जिसको कुछ भी नहीं आता वो कंसल्टेंट या एजेंट बन जाता है, चाहे वो कबूतरबाज है, चाहे जो भी है, ठीक है। तो मोस्टली नॉलेज के साथ काम नहीं करते, ठीक है। उन्होंने क्या करना होता है, यहाँ पे स्टूडेंट की फाइल ट्रैवल करती है, एक बच्चे का कोई 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 नॉन है, वो बच्चा ये नहीं देखता कि इसको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि इसने बोर्ड लगा रखा है आयल्स एंड स्टडी वीजा का, बट ये मेरा नॉन है, तो वो उसको ये नहीं देखता कि उसने नॉलेज है या नहीं है। एक मेजर फैक्ट है कि स्टूडेंट, अगर एजेंट्स को नॉलेज नहीं है तो वो स्टूडेंट के साथ जस्टिफाई नहीं करता। वो क्या करेगा, वहां से फाइल उठाएगा, दूसरे कंसल्टेंट को देगा या तीसरे को देगा, चौथे को देगा। इस तरह से मेन कंसल्टेंट और स्टूडेंट के बीच में चार पांच बंदे आ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एम्बेसी के बीच में और कॉलेज स्टूडेंट के बीच में भी चार पांच बंदे हैं, और इधर से क्या नाम है एम्बेसी और क्या नाम है स्टूडेंट के बीच में भी बंदे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, ये एक मेन रीजन है। कंसल्टेंट्स को नॉलेज नहीं है, रिलेवेंट कोर्स नहीं देते हैं, टाइम पे फाइल नहीं लगती, फाइल प्रॉपर नहीं बनती, ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण रिफ्यूजल आता है। तो मेरी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, खासकर कैनेडा जाने वाले बच्चे, क्योंकि आप जेन्युइन हो, आपका स्कोर अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका आयल्स में स्कोर भी अच्छा है और ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी है, इट मीन्स यू आर द जेन्युइन वन। प्लीज जिस भी कंसल्टेंट से आप फाइल लगवा रहे हैं पहले ये जस्टिफाई करो, ये रिसर्च करो, ये सर्च करो कि डेफिनेटली वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उसको टाई अप्स हैं या नहीं है, प्रीवियसली उसने वीजा लगवाए हैं या नहीं है। एक मैम यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कैनेडा आज की डेट में बिक रहा है तो हर एक कैनेडा करने लगे जिसको नॉलेज है या नहीं है। एसपीपी की जो पैरामीटर्स है वो है 6 बैंड नो लेस देन 5.5, लेकिन आज की डेट में 5 बैंड वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, या विदाउट आज भी बच्चे भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ जो ऐसे कंसल्टेंट्स जो इस टाइप के स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं उसका वीजा लगवाने के लिए नहीं कर रहे, उनका रिजेक्शन करवाने के लिए कर रहे हैं। एक बच्चे का वीजा लगता है वेल एंड गुड है, जिस बच्चे का वीजा नहीं लगता उसका नुकसान बहुत होता है। तो यहाँ तो बड़ा ईजी है जी, ऐसे बहुत से मार्केट में बच्चे घूम रहे हैं जिनका आयल्स है ही नहीं या वो कर ही नहीं पा रहे हैं या इनके गैप है, और एक कंसल्टेंट बोलता है कि जी मैं तेरा वीजा लगवा दूंगा और वो भी कनाडा का, तो वो बच्चा उस बच्चा सोचता है कि ओ माय गॉड ये मेरा वीजा लगवा रहा है तो मेरे लिए भगवान है। लेकिन स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि भाई साहब आपका वीजा ऐसे कैसे लग जाएगा, आपका गैप है, आपकी परसेंटेज बिलो है, और इवन इवन कि आपने आयल्स भी नहीं कर रखी है तो कैसे वीजा आपका लग जाएगा।
आपका वीजा लगेगा नहीं, लेकिन आप 1.5-2 लाख के जरूर नीचे आ जाओगे। और ऐसा आज की डेट में कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द एजेंट्स मार्केट में ऐसे बैठे हैं जो स्टूडेंट का वीजा लगवाने के लिए नहीं बैठे, वीजा रिजेक्ट करवाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि एक बच्चे का वीजा रिजेक्ट होगा तो यहाँ पर हर एक स्टेप पे कंसल्टेंट पैसे कमाता है, चाहे वो फीस ट्रांसफर में है या फिर क्या नाम है अपनी सर्विस चार्ज लेके है या किसी और ऑफर लेटर के नाम से है, हर एक चीज में कंसल्टेंट पैसे कमाता है। यही एक रीजन है कि आज की डेट में बच्चा गुमराह हो रहा है, बच्चे को ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा बंदा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको जागरूक होने की जरूरत है, जेन्युइन कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपके और एम्बेसी के बीच में सिर्फ एक कंसल्टेंट होना चाहिए, ज़्यादा कंसल्टेंट्स नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि इसकी हाथ किधर है पैर किधर है। जब हाथ और पैर का ही नहीं पता लगेगा तो डेफिनेटली होगा कैसे। प्लीज़ ये चीज़ जरूर देखो, एक तो आप पूरे रिसर्च करके आओ, कोशिश करो कि पैरामीटर आपका पूरा हो। पैरामीटर होने का मतलब ये है कि अगर आपका गैप है और आपने आइल्स नहीं कर रखी है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, वेस्टर्न ओवरसीज वीज़ा लगवाता है 5.5 बैंड पे भी, हमारे 5.5 बैंड पे भी हमने वीज़ा लिए हैं। लेकिन हमें देखना होता है बच्चे की ओवरऑल परसेंटेज कैसी है, बच्चे के मेजर सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं। 5.5 बैंड पे भी वेस्टर्न ओवरसीज के दोस्तों वीज़ा लगते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ में जनरल में चांसेस कम है, यूनिवर्सिटीज़ में, और वो भी EAP इंग्लिश कोर्स के साथ। लेकिन अगेन 5.5 बैंड के साथ साथ हमें देखना होता है वो किस बोर्ड से है, सेकंडली उसकी परसेंटेज कितनी है। हम ऐसे बच्चों को उठाते हैं जिसके 70% एंड अबव मार्क्स हैं और मेजर सब्जेक्ट्स हैं प्लस में इंग्लिश में अच्छी परसेंटेज है, तो उस स्टूडेंट्स का हम 5.5 बैंड पे भी वीज़ा ले लेते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट के साथ हम जस्टिफाई नहीं करते जिसका होना नहीं है, आप मेरे पास आ जाओ। ओके सर, जैसे कि आपने बोला 5.5 बैंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उनका भी वीज़ा लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम एज दिस इज द शो विच इज आइल्स एंड स्टडी वीज़ा हेल्पलाइन शो, सो मेरे पास मैक्सिमम क्वेरीज यही थी कि मैम हमारे 5.5 बैंड्स हैं एंड वी आर अफ्रेड कि हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं। सो वही आपने एक जैसे क्लियरेंस दी कि हम 5.5 पे भी वीज़ा लग जाता है, बट समवेयर इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज। ये यहाँ पे प्रोफाइल मैटर करती है कि एक तो आपका गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, और मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एक नॉन मेडिकल वाला बच्चा है तो उसकी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये परसेंटेज हमें देखनी है। अगर कॉमर्स वाला है तो उसकी इंग्लिश उसके अकाउंट्स उसका इकोनॉमिक्स का और उसका बिजनेस स्टडीज का देखना है। अगर यही बच्चा मेडिकल का है तो उसकी इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट हमें देख के उस हिसाब से उस बच्चे को आगे बताना होता है कि किस कोर्स में आपका एडमिशन होगा किस कोर्स में नहीं होगा। मैं आज कुछ बच्चों को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस इंटेक में हमारा सक्सेस रेट 95% एंड अबव रहा है, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स या थैंक यू मैम थैंक यू कुछ स्टूडेंट्स के मैं बताना चाहूँगा। ये मेरे सामने 13 पासपोर्ट पड़े हैं जो अम्बाला ऑफिस में है, आज की डेट में मैं बैठा हूँ तो ये इसके अलावा चंडीगढ़ ऑफिस में भी आज 7-8 पासपोर्ट कलेक्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब हमारे इस इंटेक में काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है, 95% एंड अबव रहा है, और उसके पीछे यही रीजन है कि भाई हमारे पास रियली में एक डेडिकेट टीम है। और कनाडा में जो चीज़ देखी गई है वो गेम है सारी की सारी कि आपकी टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे आप फाइल लगा रहे हो, या डेफिनेटली इस बात की है कि आप रिलीवेंट कोर्स दे रहे हो नहीं दे रहे हो, और आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स उस मेजर सब्जेक्ट्स को देखते हुए आगे रिलीवेंसी देनी जरूरी है, आइल्स का स्कोर कितना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है। और किस टाइप का कॉलेज है, ये स्टूडेंट है दिलप्रीत सिंह भुल्लर है, ये बिलोंग करते हैं अपना संगरूर से, इस बच्चे का कनाडा का वीज़ा है आप देख सकते हैं। इसके अलावा निशान सिंह है, ये बिलोंग करते हैं यमुनानगर से, इस बच्चे का कनाडा का वीज़ा आया है। इसके अलावा यहाँ पे सर हमें पासपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बात नहीं हो रही है यहाँ पे एविडेंस भी दिखा रहे हैं हम आपको कि सर ने एक्चुअल में कितना वीज़ाज यहाँ पे सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है। सो यू कैन सी हियर एंड सर जो पासपोर्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं दैट इज़ द रियल पासपोर्ट, यू कैन कन्फर्म फ्रॉम दीज पीपल द नेम विच सर सर इज टेकिंग राइट नाउ, सो दीज यू कैन कंटिन्यू लाइक। ये नेक्स्ट रमनदीप कौर भुल्लर हैं, ये बिलोंग करती हैं संगरूर से, इस बच्चे का वीज़ा आया है कैनेडा का, और ये स्टूडेंट्स का वीज़ा है यू कैन सी हेयर। इसके अलावा ये अंशुल है स्टूडेंट, ये बिलोंग करती हैं नीलोखेड़ी करनाल से, ये मेरे करनाल ब्रांच का वीज़ा है, ये आप देख सकते हैं इनका वीज़ा आया कनाडा का। इसके अलावा ये कशिश चौहान है,
ये अंबाला से बिलोंग करते हैं, इनका वीज़ा आया कनाडा का, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट है, यहाँ का स्टूडेंट है, इस ब्रांच का स्टूडेंट, इस बच्चे ने यहाँ से आयल्स करके 7 बैंड लिए हैं, और उसके ओके बाद के ब्रिटोन यूनिवर्सिटी में ये जा रहा है बैचलर इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के लिए, जहाँ ओके मेरा भतीजा बैठा है अंकित कुमार, वो भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने वहाँ गया है, उसी के पास ये ओके बच्चा जा रहा है। इसके अलावा ये रिया लड़की है, ये बिलोंग करती है जज्जर से, हरियाणा से, इसका गुड़िया का वीज़ा आया है कनाडा का, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट है गौरव, ये बिलोंग करते हैं अपना करनाल से, करनाल ब्रांच का वीज़ा है, आप देख सकते हैं इसका कनाडा का वीज़ा है। ये सिमरनदीप कौर है, ये बिलोंग करती हैं संगरूर से, सी गोट कनाडा वीज़ा, आप देख सकती हैं। ये कैतना बंसल है, सी बिलोंग फ्रॉम संगरूर, सी गोट कनाडा वीजा। ये हैं जसकीरत सिंह, ये बिलोंग करते हैं शाहबाद से, बराड़ा से, अंबाला, ही गोट कनाडा वीजा। ये कनिका सचदेवा करनाल से बिलोंग करती हैं, इनका कनाडा का वीजा आया है। ये मनदीप सिंह है, ये बिलोंग करते हैं आपका अंबाला कैंट से, इनका कनाडा का वीजा आया है। अभिषेक, ही बिलोंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र ब्रांच का वीजा है, कनाडा का वीजा है। तो दोस्तों आपके सामने ये 13 पासपोर्ट हैं, जिसके आज कल ये पासपोर्ट कलेक्ट हुए हैं, और 7-8 पासपोर्ट चंडीगढ़ ऑफिस में आज कलेक्ट हुए हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा आज। तो कहने का मतलब है हमारा सक्सेस रेट रियली मैम 95% एंड अबव रहा है, और हम बड़े मतलब गर्व से कह सकते हैं कि यस हमने स्टूडेंट्स के वीजा दिए हैं। ओके सर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द परफेक्ट कंसल्टेंट, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ परफेक्ट कंसल्टेंट? देखिए, एक परफेक्ट कंसल्टेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पे हैं, और परफेक्शन की बात, या नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन उसके नियर बाई होना चाहिए। नियर बाई का मतलब कंसल्टेंट को नॉलेज होना चाहिए, जिस भी कंट्रीज में वो बच्चे को भेज रहा है उसको पता होना चाहिए पर्टिकुलर वहाँ का इन्वायरमेंट, उस कंट्री के बारे में, किस पाइप टाइप की उसके पास वहाँ पे एजुकेशन है, कौन सा कोर्स अवेलेबल है, किस कोर्स में बच्चे का आगे भविष्य है, किस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर बच्चा वापस आता है या वहाँ पे भी रहता है तो उसमें बच्चे का स्कोप रहेगा। पहली बात तो बच्चे कंसल्टेंट के खुद के रिसर्च होने चाहिए। हम बोलते हैं कि स्टूडेंट रिसर्च करे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कंसल्टेंट को भी रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि कंसल्टेंट को अगर पता है, कंसल्टेंट एजुकेटेड है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स को बता सकता है। नेक्स्ट आता है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कनाडा पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आई एम द क्वालिफाइड फॉर कनाडा, तो ये चीज़ एक जरूरी है। तीसरा, वो पैसे के लिए काम ना करे। ठीक है कि भाई पैसा जरूरी है हर किसी के लिए, लेकिन वो पैसे के लिए काम ना करे। पैसे का मीन्स वो बच्चे के करियर के लिए काम करे, बच्चे का वीज़ा लगवाने के लिए काम करे, और बच्चे का वीज़ा लगेगा तो डेफिनेटली हमारा तो करियर बनेगा ही बनेगा, हमें स्टूडेंट से भी थोड़ी बहुत सर्विस चार्ज मिल जाता है, या फिर हमें कमीशन भी आ जाता है, तो डेफिनेटली। बट ये ना हो कि बस बच्चे को काट लो, बस यहाँ मुर्गी खा लो, अंडे की अंडा ना खाओ, वो काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वो फेक कमिटमेंट ना करे। फेक कमिटमेंट, यहाँ पे फेक कमिटमेंट मैंने बहुत देखी है कि भाई बस हो जाएगा आपका, नहीं भी होना हो तब भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जरूरी है कि वो फेक कमिटमेंट ना करे, वो कोई डॉक्यूमेंट में एडिटिंग ना करे, वो कहीं जिस बच्चे का नहीं होना है फेक चीज़ें, फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में अगर एम्बेसी, देखो आज की डेट में बहुत अवेयर है, जो इस टाइप के कंसल्टेंट बैठे हैं जो रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, वो अगर पहली बात तो बच्चा जा नहीं सकता, बच्चा जाएगा नहीं तो बच्चे का नुकसान होगा, अगर वो चला भी गया तो पकड़ा गया तो डिपोर्ट हो जाएगा, इधर से एम्बेसी रिजेक्शन देगी, रिजेक्शन देगी, तो डेफिनेटली उससे क्या होता है कि सारे के सारे 5 उंगलियां बराबर लगती फिर एम्बेसी को, इट मीन्स फेक चीजें हो रही है मार्केट में। तो फेक कमिटमेंट, फेक फंड, फेक डॉक्यूमेंट, फेक एडिटिंग, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक कंसल्टेंट ये चीज़ें कभी भी ना करें, वो जेन्युइन कंसल्टेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट के आधार पर और एम्बेसी के चेकलिस्ट के आधार पर बच्चे की फाइल लगाए और वीज़ा ले। नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई उसको नॉलेज, तो मैं जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ, नॉलेज होना चाहिए। पैकेज वाला सिस्टम ना करें, जी मैं आपसे 20 लाख ले लूंगा, 15 लाख रुपये ले लूंगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आटे में नमक होना चाहिए, मतलब एक्चुअलिटी कि हाँ यस
जो बच्चे का राइट्स है बच्चे को होना चाहिए, जो कंसल्टेंट्स के राइट्स हैं वो कंसल्टेंट्स के पास होना चाहिए। तो ये परफेक्शन कहीं ना कहीं होगी और डायरेक्ट टाइप्स होने चाहिए। अगर डायरेक्ट टाइप्स नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बच्चा और कंसल्टेंट के बीच में मैंने देखा है कम से कम 7-8 बंदे आ जाते हैं, जितने बंदे आएंगे उतने बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ओके सर, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से राइज होता है समटाइम्स एज दिस इज द शो ऑफ स्टूडेंट्स क्वेरी। सो वो कुछ स्टूडेंट्स जो फेक कंसल्टेंट्स की वजह से उनके रिजेक्टेड वीजा हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग वरी कि हमारा दोबारा वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। सो उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहते हो? जी देखिए, यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि अगर एम्बेसी ने वीजा दिया है फेक डॉक्यूमेंट्स के कारण या फेक फंडिंग के कारण, कोई भी फेक चीज अगर एम्बेसी को फॉल्स डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं तो बड़ी सॉरी है, उस बच्चे का वीज़ा नहीं आएगा बल्कि वो बैन हो चुका होगा, वो दोबारा लगाएगा तब भी उसकी रिजेक्शन आएगी। हाँ, यहाँ डिपेंड करता है कि अगर अनजाने में कोई चीज़ हुई है और वो आपके नॉलेज में नहीं थी और आप जेन्युइन चीज़ है, आपने जेन्युइन चीज़ प्रोड्यूस की थी तो डेफिनेटली वेस्ट नॉज इज हेयर टू हेल्प यू। लेकिन फेक अगर कोई चीज़ आपने लगाई है तो बस बड़े लेवल पे सॉरी है, ऐसे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। मे भी आने वाले टाइम में, क्योंकि आज की डेट में एम्बेसीज क्या कर रही हैं कि सारी की सारी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया है चाहे कनाडा है चाहे न्यूजीलैंड है यूके यूएसए, वो इन्फॉर्मेशन आपस में धीरे धीरे अब शेयर करना शुरू कर देंगी। अगर एक कंट्री से किसी का रिजेक्शन फेक डॉक्यूमेंट्स के कारण है तो दूसरे कंट्रीज में उस बच्चे का वीज़ा लगना भी आसान नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ ना करो। ओके सर, एज आप वीज़ा में भी डील करते हैं साथ के साथ आप आयल्स इंस्टीट्यूट भी, आपके बहुत सारे आयल्स इंस्टीट्यूट हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी यू आर ऑफरिंग इन आयल्स इंस्टीट्यूट। देखिए, वेस्टर्न ओवरसीज जब से अपना करियर स्टार्ट किया वेस्टर्न ओवरसीज से, तब से वो आयल्स में डील कर रही है। और मेरे जो सेंटर्स हैं जिसमें चंडीगढ़ अम्बाला कुरुक्षेत्र करनाल, यहाँ पर हम आयल्स रन करते हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे जाके या मेरे फेसबुक पेज पे भी जाकर देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों बच्चे जो आयल्स का स्कोर लेके बाहर गए हैं। अगर मैं अपनी यूनिकनेस की बात करूं या अपनी क्वालिटी की बात करूं तो हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं वो डेडिकेटेड हैं, वो क्वालिफाइड हैं, वो बीसी और आईडीपी से ट्रेंड है, और कहीं ना कहीं उन फैकल्टीज़ ने भी रियल इन्वायरमेंट में बैठ के पहले खुद टेस्ट दिया है। उनको पता है कि भाई किस टाइप से रीडिंग चलती है, किस टाइप से राइटिंग चलती है, स्कोर भी उनके 8 और 9 बैंड तक हैं। और हमारे यहाँ पे ट्वाइस मॉड्यूल्स डेली होते हैं, यहाँ पे चाहे रीडिंग है, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और इसके अलावा ग्रामर, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ डेली होती हैं, ट्वाइस होती हैं। वोकैब सेशन अलग से चलता है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से क्लास चलती है। और सबसे बड़ी बात मैम यहाँ पे कि हम बच्चे को इनरोल करने से पहले एक डेमो क्लास देते हैं, और इवन के अब तो हमने संडे को भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए, संडे भी 11 बजे से 1 बजे तक जो बच्चे ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो और इसके लिए हम होमवर्क भी देते हैं बच्चों को। और इसके अलावा और हमारे यहाँ रिपोर्ट कार्ड है, एक बच्चा जब हमारे पास इनरोल होता है तो वो रिपोर्ट कार्ड हम हमेशा मेंटेन रखते हैं कि बच्चे का डेली प्रोग्रेस क्या रही है, रीडिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है, लिसनिंग में कितना है, स्पीकिंग में कितना है। हम स्टूडेंट्स पहले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के रिमार्क्स और टीचर्स के रिमार्क्स भी होते हैं, टाइम टू टाइम हम मीटिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के कहीं ना कहीं हमें यूनिक बनाती हैं। इसी कारण से हम बेस्ट इन रीजन अवार्ड विनर भी हैं, आईडीपी से ब्रिटिश काउंसिल के गोल्ड मेंबर हैं। तो दोस्तों, अगर आपका आयल्स स्कोर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली एक बार आप आके मेरे से मिल सकते हैं। हमारी क्वालिटी, हम यहाँ पे जो काम करते हैं वो टास्क ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो हम यहाँ पे क्वालिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट है, वो यूनिक है। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वेस्टर्न ओवरसीज से अगर आप कोचिंग लेते हैं तो जहाँ पे भी आप स्टैंड करते हैं 1-2 बैंड का स्कोर तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा हम जब बच्चा हमारे पास इनरोल करता है, इवन कि मुझे पहले बताना चाहिए था फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चा हमारे पास इनरोल होता है, इनरोल होने के बाद एक उसकी ओरिएंटेशन चलती है, उसके नॉलेज के हिसाब से फिर हमने यहाँ पे बेसिक, इंटर, एडवांस ये बैचेस बना रखे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं कहीं और से हैं दे चुके हैं या मतलब जिनका स्कोर पहले नहीं आया था, उनके लिए हम एक डायनामिक बैच अलग से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 4 बैच स्टूडेंट्स को क्वालिटी प्रोवाइड करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, दैट इज द रीजन कि हम आज स्टेज पे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया उनका प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड मेंटेन होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स भी आप कंडक्ट करते हैं, सो बेसिकली ये एक डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज का जो कि आपको बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाला, पर फिर भी आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स टीचर मेंटेन करते हैं, क्या बैंड स्कोर एग्जैक्टली उतने ही नियर अबाउट स्टूडेंट्स के गेन होते हैं जितने उनके येलो कार्ड रिपोर्ट कार्ड पे उनके बैंड्स रिवील होते हैं? देखिए सर, मैम यहाँ पे
जो मेरे पास जो फैकल्टीज हैं ऑल आर क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है कि वो ऐसी फैकल्टी हैं जिन्होंने कहीं पढ़ाया नहीं है, वो रियल इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पहली बार तो खुद टेस्ट दे चुकी हैं, ब्रिटिश और आईडीपी से वो खुद क्वालिफाइड हैं, वहाँ से उनको वर्क टीचर ट्रेनिंग मिली हुई है। तो हमारे यहाँ पे जो मार्किंग है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। अब ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के 5 बैंड हो उसको 7 बैंड दे दें, टोटली जो स्टूडेंट जहाँ पे स्टैंड करता है उसको वही मार्क्स, रियल इन्वायरमेंट में वही मार्क्स मिलता है। और जो मॉक टेस्ट होती है, मॉक टेस्ट में भी टीचर्स एक्सचेंज होते हैं, जिस क्लास में जो टीचर है उसकी मार्किंग वो नहीं करते, दूसरे टीचर्स करते हैं, और जो ओके वहाँ पे जो टीचर्स जो टेस्ट ले रहे हैं वो भी टोटली डिफरेंट होते हैं। तो मार्किंग सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट है और आईडीपी और बीसी के पैरामीटर्स पे है, क्योंकि अगर हम यहाँ अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब अगर कुछ ऐसा होगा तो इसका मतलब अपने आप से ही चीटिंग होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसके 5 आने हैं उसको 6 बताया जाए, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल स्टैंड करता है। और इसी कारण से जो मैंने ये देखा है कि जो रिपोर्ट कार्ड में या उसके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो रियल टेस्ट देता है उसमें उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं बच्चे के। ओके दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग. जैसे कि इन्होंने बताया रिपोर्ट कार्ड से ज़्यादा ही मार्क्स समटाइम्स आ जाते हैं, उससे कम तो नो पॉसिबिलिटी. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई फाउंड इन दिस इंस्टीट्यूट वेस्टर्न ओवरसीज़. एंड दिस इज़ मिस्टर प्रदीप बाल्यान, इनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आजकल के जो कंसल्टेंट है बेसिकली फेक कंसल्टेंट आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे जो पैसे के लिए काम करते हैं, बट करियर के लिए काम करने वाले कोई कोई मिलेंगे, एंड उनमें से एक मिस्टर प्रदीप बाल्यान है. इनसे मिलके आज सच में बहुत अच्छा लगा. एंड इफ़ यू वॉन्ट सम मोर क्वेरीज यू कैन विजिट आवर फेसबुक पेज ऑफ मिस्टर प्रदीप बाल्यान सर. फेसबुक पेज इज वेस्टर्न ओवरसीज 712. यू कैन विजिट वेस्टर्न ओवरसीज 172. Western Overseas 172 is the page. Sorry for the mistake. And you can visit this page. I am again repeating this. Western Overseas 172 is the page. And you can watch our YouTube channel also. That is also Western Overseas. So thank you for watching us. And hope you will get good bands in IELTS. And you can come for the visa also. Thank you so much for watching us. Thank you.